कलर आती है इसको, पत्ते पे पत्ता आता पत्ते है, पत्ते पे पत्ता सबको आता है, चिटाई और पत्ते पे पत्ता। हाँ ऐसे जाते सीवी में लिखना पत्ते पे पत्ता भी आता है। हाँ हाय गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बबुआ? कल रवि में कौन जीता? मैं आखिरी गेम जीता ना, मैं जो आखिरी जीता वो सारी जीता था। आखिरी मैच जीत दिया आदित्य? नहीं मैं आखिरी जीत के तो उठा था, याद नहीं है? अच्छा चलो। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, आज मंडे है एंड वी आर डूइंग सम वर्क। एक्चुअली आर मेड गॉट वैक्सीनेटेड बट के हस्बैंड की वैक्सीनेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, सो वी आस्क्ड हर टू गेट हर फोन ताकि हम ओटीपी कुछ क्लैश हो रहा था तो ओटीपी चेक करके हम अपने वे से कर नहीं सके बिकॉज एक बार हो चुका था एंड देयर इज सम ग्लिच, आई डोंट नो व्हाट कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन, बट वी थॉट ऑफ हेल्पिंग हर आउट एंड बुकिंग हर स्लॉट, हिज स्लॉट नॉट हर, हिज स्लॉट। सो आई वुड गिव दिस मैसेज टू एवरी वन इन केस इफ यू कैन डू इट फॉर योर मेट्स और हाउस हेल्पर ड्राइवर एनी वन, प्लीज़ डू इट। सो दैट्स वॉट वी आर नाउ चेकिंग, इवन इफ इट इज़ पेड वी आर गोइंग टू डू इट नो मैटर वॉट, लाइक इट इज़ हार्डली एनी मैटर यार, इतना तो हम खर्चा करते ही रहते हैं एंड कोई बात नहीं। सो we would feel happy only. We told her way before that if in case you need help with regards to vaccination or something, do let us know. And then she came up. So let's see, अब बुक होती है कि नहीं। Hi guys, तो lighting बहुत ख़राब है, हाँ अभी अच्छी आई। So we are going home for 2 or 3 days. तो सारा कुछ समेटना था, वहाँ कपड़े पड़े हैं जो मुझे alteration के लिए देने थे but आज बारिश हो गई तो दे नहीं पाई, तो रखे रहे। सब सामान ज़्यादा करके ले लिया है मैंने, अपने प्लांट्स बाहर रखे हैं सो दैट आई एम सॉरी फॉर द लाइट, आई एम रियली सॉरी फॉर द लाइट। प्लांट्स सारे यहाँ पे रखे हैं ताकि इन्हें अच्छी रोशनी मिले एंड ये ग्रो हों। मैंने पानी 2 दिन पहले ही डाला था तो मे बी आदित्य ऑफिस के लिए आएगा वापस कल या परसों में, तो वो एक बार देख के जाएगा घर। क्यों? क्योंकि घर नहीं देखना है उसे, ये देखना है कि उसके घर में चिपकली तो नहीं आ गई। मेरी मम्मी कह रही थी चोर आए ना आए, आदित्य को चिपकली से ज़्यादा डर है। तो बस घर चलते हैं अभी। मैं बहुत टाइम बाद घर जा रही हूँ क्योंकि दिल्ली वाला घर भी मुझे समेटना है, वहाँ पर बहुत मेरे ऊपर नीचे सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैंने सोचा इस 2-4 दिन के लिए हम वहाँ जाएं और वहाँ समेटें। बट पता है घर लॉक करके जाने में हमें ये बैग लेके जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट मेरा लैपटॉप, ऑफिस का सामान, शूज़ हैं फॉर द वर्कआउट थिंग और क्या है, बस वही है, 2-3 चीज़ें घर पे, जो घर का सामान था वो जो मम्मा को देना है वो है, दैट्स इट, बस इतना ही सामान है। सो लेट अस गो होम नाउ, ठीक है? जो बटन होता है ना ये चालू करो फिर बोलो, फिर ना अच्छा लगता है, लोगों को भी पता चलता है आपने रिकॉर्ड करा, नहीं तो बिना रिकॉर्डिंग के आप बोले जा रहे हो। वाह हाय गाइस वेलकम बैक, तो मैंने इतना कुछ बोल दिया बट मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया नहीं था। सो आई केम, मैंने उस दिन जिस दिन निकली थी तब का व्लॉग किया था, उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं किया बिकॉज आई जस्ट केम टू माई हाउस एंड मैं बस आई वॉज विथ माई इन लॉज, लाइक माई मदर इन लॉ एंड आदित्य, हम सब बहुत साथ में थे और मैं उसमें ही बिजी थी। मैंने 2 दिन ऑन एंड ऑफ थी, मैं सोशल मीडिया पर इतना कुछ पोस्ट भी नहीं कर रही क्योंकि मैं परसों जाऊँगी, देन आई विल गेट बैक टू वर्क। तो ज़्यादा काम मैंने किया हुआ था, कंसल्टेशन भी मेरी जो एंड की रह रही थी वही करनी थी एंड इस घर में इतना काम, मतलब मैं पानी पता नहीं बाथरूम में क्या हुआ पड़ा है वो काम करवाना है, ये शीशा जो यहाँ का टूट गया है ये लगवाना है, कमरा समेटना है, तो बहुत छुटके छुटके इतने सारे काम है ना, क्योंकि उस समय लॉकडाउन हो गया था और मैं वापस आ नहीं पाई तो मैं ऐसे ही छोड़ गई थी, तो अभी धीरे धीरे होगा। एंड कल बारिश बहुत अच्छी हुई है, इतनी अच्छी बारिश, इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, सीरियसली कल मैं वो घर मिस कर रही थी क्योंकि वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन और हवा बहुत तेज आती है बारिश में, यहाँ पे जो हाँ यहाँ पे भी चली रही थी वहाँ पे और चलती यार। पता है एक बात है, जहाँ पर आप रहो और जिसको भी आप अपना वाइब बना दो ना, आपका मन फिर वहां लग जाता है। जैसे अगर हम यहाँ आ गए, अब जैसे ये सारी वॉल्स एम्प्टी हैं सब कुछ,
कल जब यहाँ हम आएंगे इस घर को फिर से डेकोरेट करेंगे तो यही लग जाएगा अपना घर। अब क्या है कि मेंटली क्योंकि हाफ चीजें वहां पड़ी हैं हाफ यहाँ पड़ी तो काफी कंफ्यूजन होता है। अब जैसे ये वाली किचन मैं यूज नहीं कर रही, जो मेरी यहाँ की किचन है मैं यूज नहीं करती, मैं नीचे की किचन ही यूज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज सामान नहीं है इतना। और ये देखो कितनी खाली लग रही, ये देखो लॉबी। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता होगा कि लॉबी भरी रहती थी एंड ये बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा आवाज़ इतनी गूंज रही क्योंकि खाली है। ये मिरर हमें डिस्कार्ड करना है, मुझे और भी दो चार मेरे चप्पलों का रैक है मुझे वहाँ से देखना है, अभी टेम्परेरी सब कुछ पड़ा है। सो बहुत खाली लग रही, मतलब रूम वगैरह भी इतने खाली खाली लग रहे ना। तो अभी किसी काम के लिए हमें मार्केट जाना था तो मैं और आदित्य वहां जा रहे, मैं कुछ मेकअप नहीं कर पाता जब से यहाँ आई हूँ, नो मेकअप लुक किया हुआ, मेकअप भी नहीं लगाती ना, बाल धुले हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा। खुशबू ने एक और कार्ड गेम सीख ली है। हाँ कल हम क्या खेले थे? पाबो। अगर आपको पता है पाबो क्या होती है, इफ एनीवन नोस, क्योंकि हो सकता है उसको कोई कुछ और नाम से बोलता हो, मेरे को है उसका वैसे कोई दूसरा नाम है, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, बट पाबो अगर कोई नीचे कोई देखता है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो और नीचे कमेंट जरूर करना आप खेलते नहीं खेलते। मुझे आती है मम्मा पापा मैं और आदित्य उसमें जब जो हाथों से ठुल्ला देते हैं ठुल्ला, अगर कोई मेरे को वो ठुल्ले का कंसेप्ट ना अभी भी उतना नहीं समझ में आया, लाइक मैं अभी भी सीख रही हूँ। कोई बात नहीं सीख जाएगी, बट मैं जीती है एक बार एक गेम तो मैं मतलब मैं तो बचपन से मैं एक गेम जीती ना। हाँ हमने कितने राउंड्स खेले, कई सारे खेले मैं, मतलब बचपन से बिल्कुल छोटे हो से हम पूरी फैमिली जब मिलती थी खास करके तो पापो खेलते थे। तो आई एम नाउअडेज इनटू लर्निंग कार्ड्स, रम्मी आ गई, ब्लफ आ गई, पापो आ गई। ब्लफ मैंने अपनी मम्मी के साथ खेली हुई है तो मुझे सिखाया मैंने ही था, रम्मी मैंने सिखाई है और पापो भी पार्शली सीख रही हूं तुम्हारे साथ हूं मैं नहीं, बट कलर आती है इसको, पत्ते पे पत्ता आता है, पत्ते पे पत्ता सबको आता है, चिटाई और पत्ते पे पत्ता। हाँ ऐसे जाते सीवी में लिखना पत्ते पे पत्ता भी आता है। हाँ, चलो अपना सीवी बनाओ, व्हाट आर योर हॉबी या व्हाट आर योर स्किल्स। तो चलो चलते हैं, आई जस्ट हैव टू चेंज माय स्लिपर्स एंड दैट्स इट। आज दो दिन से एक्सरसाइज मिस है और ऐसा लगता है ये लड़का जो है ना ये माइक के आके ऐसा फैला हुआ है ना, ये माइक के आया हुआ है और इसकी छुट्टियां चालू है। ठीक है चलो। So, how did you feel becoming a best telly boy again? हम न्योडा वाले हैं ना, न्योडा। तो यार आज हम पैसिफिक मॉल आए थे बहुत सालों बाद। कैमरा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो गाड़ी हिल रही इसलिए हो रहा है। This one girl यार मेरे बगल में यहाँ पे खड़ी है, उसने ग्रीन बाल भी करवाए, मुझे भी करवाने थे। किस जमाने में कब कराऊंगी? मेरी मम्मी ने तो कहा है तो सर गंजा कर दे हो जाएगा अच्छा, ये ग्रीन बाल करवाए। कमेंट डाउन आपकी मम्मी क्या बोलती है अगर आपने ऐसे बाल अतरंगी करा। माय मदर इन लॉ इज फाइन विद इट, शी इज लाइक ओके फाइन जो करना है कर लो, बट माय मदर इज लाइक तू सर मुंडवा दे। मुझे एक्चुअली सर मुंडवाना है। हाँ तुम्हें हेयर कट कर, नहीं अगर मैंने ग्रीन बाल करवाए तो बाल ग्रीन बाल करवाए तो सही है अच्छा यू आर ओके विद इट? हाँ यू आई एम ओके, सजेस्ट यही करूंगा कि मत करें। 37 चलना है मुझे, सूखा धनिया लाना है। 37 से मिलता है यार, अपने उधर से ले लूंगी, मेरे को आलस हो रही है, मेरे को कुछ काम नहीं करना। मैं दो चार दिन छुट्टी पे हूँ सीरियसली। छुट्टी ऐसा लगता है दिल्ली में भी इसका तो मायका है, मेरा भी मायका है। वापस जाएंगे अब तभी कुछ काम करेंगे। ओके तो मुझे आज मन था आईब्रोज करवाऊं बट यार मैं डर गई, फिर मैं कोई कांटेक्ट किसी से नहीं रखना एंड बेटर वो जो आजकल मैं वैक्सिंग स्ट्रिप से कर रही हूँ तो वो ही ठीक है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आप लोग आपने अब तक कोई पार्लर वाली बुलाई है, थ्रेडिंग करवाई है पोस्ट जो लॉकडाउन से, मेरे को बताना, मैंने नहीं करवाया वो अब तक, सो लेट मी नो इफ यू हैव डन इट। सो वी आर गोइंग बैक
अपना मास्क नहीं पहना हुआ। अभी बहुत ही पसीना आ रहा है, एक मिनट जरा सा बस, अभी वहीं ही है, मतलब पंजाबी बाग में ही है, अंदर गलियों में घूम रहे हैं, बाकी हाँ। चलान की बात नहीं है, बट अभी एकदम बस बहुत पसीना आ रहा है, इसलिए मैंने नीचे कर बस करा। बाप रे, अच्छा स्टेकेशन था हमारे लिए तो, मतलब इस बार कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, मन बहुत करता है बट वील प्लान थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, एकदम सडन तो कहीं नहीं जा रहे, तो ये भी हमारे लिए एक चेंज ही था और अच्छा था, स्टेकेशन हो गया। यार देखियो बोगनविला पीछे लगाया, बहुत सुंदर लग रहा था। बस एक दो सब्जी चाहिए थी तो हम वो लेंगे अभी। अरे दही लेना था, मैंने बाल नहीं धोए यहाँ के, बाल यहाँ वाला हमारा बाथरूम ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक करवाना है, उसके लिए आएंगे, वो तो आदित्य आएगा ना, तुम ही आके करवाओगे ना। सो बैक होम, मम्मा ने दोपहर के लिए भिंडी और ये अचार बनाया था, ये मिर्च का अचार बड़ा टेस्टी था, मम्मा और भी बना के भेजेगी, तो ये मैं लेके आई, मोर बोल रहे सुबह सुबह, ये फ्रिज में रखूँ तो, मैं यहाँ सारे प्लांट रख गई थी पर ठीक ही हैं सब, मैं सोची हूँ आज इन्हें पानी दे दूँ, फिर कल एक दिन अंदर रख दूँगी, कल आज पानी दे के यहीं रहें और फिर कल रखती हूँ। बस ऐसे बहुत बहुत मज़ा आया इस बार जाके, एंड वी इन्जॉयड अ लॉट, इट वॉज लाइक अ वेकेशन ऑन। यार इतने तो अपने मायके गया हुआ था, वैसे मैं भी मायके ही थी ऐसा लग रहा था, है ना, इस बार काफ़ी इन्जॉय किया आदित्य और उसका फालतू का टाइम पास आया नहीं है बीच में, बट इसका तो अपना ही टाइम पास है, चिप क्यों, घर आते ही पहले इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कहीं छिपकली तो नहीं है, तो मैंने एक जगह ढूंढ ली है यहाँ पे, ये देखो ये जो दिख रही है ना काला काला, ये छिपकली की टट्टी है, तो यहाँ पे छिपकली की पॉटी पड़ी है बट वो सूखी हुई है, तो पहले हो सकता है बाहर से निकली होगी, मैंने वैसे ना ये जितने भी ये चौखट वॉकट है ना इधर मैंने अच्छे से हिट मार दिया था, तो बाकी अब तक तो उड़ गया होगा। खैर खुशबू सबको पानी दे रही है एंड मैं अब निकलता हूँ फैक्ट्री के लिए, सामान ऊपर रख दिया, हाँ मशीन ऑन कर दी ना मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी, बस कपड़े डाल के मैं निकल जाऊंगा। सो आते ही काम शुरू, ये कल जो भी सब्जियाँ ली थी ये सब मुझे फ्रिज में सेट करनी है, तो वो सेट कर लेती हूँ, एंड टमाटर तो यहाँ सेट कर दिए, और भी टोकरियाँ देखो फ्रिज, वैसे तो मैं खाली कर गई थी, इक्का दुक्का सामान था, या अभी जो सब्जी लाई वो रख दी, एंड हाँ चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो मैं इसके नीचे, ये टोकरी के नीचे ये रख देती हूँ ये शीट, ताकि वो गंद इधर उधर ना गिरे, एंड या लेट मी डू दिस, जो फेंकने का होगा बचा कुचा ख़राब सा तो वो सारा फेंक दूँगी। और सबसे अच्छी बात है आज, कल 16 था तो 4 मंथ्स बैक वी मिस कैरिड ऑन द सेम डे, 16-17 को जब मैंने पिल्स ली थी एंड एवरी ऑल द प्रोसेस हैपेंड, तो मैं उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ बेबी के नाम का बांटती ज़रूर हूँ, लाइक वी हैव केप्ट दिस रिचुअल, आई डोंट नो टिल वॉट एक्सटेंट वी आर गोइंग टू डू दिस, बट वी हैव केप्ट इट कि हम ये करेंगे जब तक हमसे हो सकता है। और आज सैटरडे है तो मैं आज जाऊंगी शाम को, चिप्स वगैरह कुछ खरीद लूंगी बच्चों के लिए, और वहीं ना बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो मैं उनको दे दूंगी, इट्स जस्ट लाइक आई डोंट नो टिल वॉट एक्सटेंट आई एम गोइंग टू डू इट एंड वाई एम आई लाइक, इट्स नॉट लाइक कि मैं अभी बुरा लगता है, बट अब मैं थोड़ा बहुत हील हो चुकी हूँ उससे, विद टाइम यू नो यू हैव टू मूव अहेड एंड आगे के बारे में सोचना होता है, बट येस हम ये रिचुअल करेंगे जब तक हम कर सकते हैं, और कुछ बांट ही रहे हैं तो किसी ना किसी की तो ब्लेसिंग मिलती है, जब और बच्चे खाते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत खुश होके वो लेते, जैसे पिछली बार हमने लस्सी, मैंने व्लॉग भी किया था, मैंने लस्सी दी थी और चिप्स का एक पैकेट था, लस्सी दी थी वैसे तो, बट उन्होंने फिर ना बोला कि एक चिप्स का पैकेट भी ला दो जब हम जा रहे थे अंदर, तो फिर हमने चिप्स के पैकेट भी दिए थे, तो वैसे ही कुछ बिस्किट या कुछ ऐसे दे देंगे, बट इट इज़ नाइस। तो आज सैटरडे है, मैं मम्मा को बोली थी कि मैं जाके वहाँ करूँगी, तो वो करना है, वैसे हम कल भी आ सकते थे बट ये सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं जैसे इस घर में दिया जगता है सैटरडे तो वो जगाना था, तो ऐसी चीज़ें थी, वैसे हम ट्रैवल करेंगे कभी कभार तो मिस भी हो सकता है, जब तक इंडिया में है तब तक तो कर सकते हैं,
बाहर का तो अभी तक कुछ पता नहीं, तो ये सारे काम जो थे वो मुझे करने थे। स्वेटिंग सो मच, सो शाम को मिलते हैं। मैं बहुत टाइम बाहर नीचे उतरी, नहीं तो -1 से हम सीधा गाड़ी से ही ऊपर आते हैं। तो मैंने आदित्य को कहा मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो यहाँ पर अंदर ही है वहाँ से खरीद के फिर आदित्य को पार्किंग के वहाँ मिलती हूँ। सो ये सामने है ये अपार्टमेंट के, नीचे का मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ ही स्टोर है। दिस इज़ अ स्टोर, इट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लेक्स जहाँ सैलॉन सब कुछ है। तो अंदर ही बहुत कुछ है, कहीं दिक्कत नहीं होती कहीं पर भी जाने की। ये स्कर्ट में कहीं से होल दिखा था, हमें ऑल्ट्रेशन के लिए देना है, वो होल ही नहीं दिख। हाँ मिल गया। तो हम अंकल आंटी बन गए। हमने एक्चुअल में दो बच्चों को दिया कुछ जो बांटने थे, तो बाय अंकल बाय आंटी। वैसे आप एक टाइम के बाद ना जब आप यू एज आफ्टर दैट इफ एनीवन कॉल्स यू अंकल आंटी यू डोंट फील इवन बैड, बिकॉज अगेन ये वो दिया जगाना होगा ना उसकी वजह। If anyone calls you now uncle auntie, so do you feel bad? Okay. I think वो psychologically हो जाता है when you are into parenting or you become a parent, तो आपको वो effect नहीं करता। ये थैला दे दूँगा, ये हमारी चीजें अलग थैले में डाल देना, मैं इसमें डाल दूँगा। ये मैं कैसे, अरे तो this is not practical हाँ? Video तो बंद कर दे। क्यों तुम्हारे गुस्सा कर देगा मैं ना हूँ? हाय गाइस, तो मैं कल ही रात को एंड करना भूल गई, हम सो गए थे, थोड़ा लेट सोए बट सो गए थे है ना। बट सुबह मैं थोड़ा लेट उठी यार, मैं 9 बजे उठी हूँ जबकि मैं जल्दी उठती हूँ। बट आई एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। सो हम एक दुविधा में हैं बिकॉज आज संडे है और मेरा ना मूली के पराठे, मैंने मूली कहीं से देख ली, मुझे मूली की पराठी चपाती टाइप से खाने का बहुत मन है। कल से मैंने मेड से कद्दूकस करवाई, मूली और सब तैयार करके रखा, बट दुविधा क्या है, ये आदमी जस्ट बिकॉज आज संडे है एंड आई डोंट वांट, आपको भी पता है मूली खा के क्या हाल होता है लोगों का। मेरा डाइजेशन फिर भी अच्छा है आदित्य से, तो मेरा हाल उतना बेहाल नहीं होता, बट आदित्य का हाल बहुत बुरा होता है यार, मैं नहीं झेल पाऊँगी। अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा, सपोज़ अगर कहीं पर भी मार्केट भी जाना पड़ता है, मुझे गाड़ी में इसका साथ जाना होगा। एंड देन आई थॉट दैट लेट्स मेक अ वाइज डिसीजन, लेट्स स्किप मूली टुडे, ईट इट टुमारो, बिकॉज टुमारो ये ऑफिस जाएगा, तो अब इसके ऑफिस में सरदर्दी। आई बी एट होम, मेरी मम्मी बार बार मैसेज कर रही है बुरा हाल, मतलब पानी भरने वाला। मम्मी एक ही लाइन दिखती है बुरा हाल, हम मम्मी में चिल्लाएगी बारिश इतनी हो रही बॉम्बे में। मतलब आज फोन ना करियो मम्मी को, नहीं तो मम्मी ने मेरे को बहुत चिल्लाना है। तो बॉम्बे में सच में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा पानी भरता है। और अब जैसे मेरी शादी का 8 साल होने वाले हैं ना, 8 साल हो गए, अब बोलियो जरा, एनिवर्सरी में हमारे 8 साल हुए थे ना। अरे बता दिए, तुम्हारे साथ वक्त बीता कहाँ मुझे पता ही नहीं चला, चलो बताओ ना। अभी 8 साल होंगे, अभी 8 साल हो गए ना, वही तो बोल रही हूँ, 8 साल हो गए ना 20 साल में। कौन से साल में हमारी हुई थी शादी? 2013। पक्का है? याद है कुछ? हाँ याद है, खर्चा किया था किसने? मेरे पापा ने। अच्छा? और तुम्हारे पापा ने, उन्हें याद होगा, हमें ना भी हो। तो यार मैं 9 साल से, क्या मैं उसके पहले भी बेलकाम रहती थी, तब नहीं ऐसा कुछ था। अब ये 3-4 सालों से ना बहुत ज्यादा बारिश का नाटक है और हमारे घर पे पानी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। मतलब माय पेरेंट्स वांट टू शिफ्ट और समथिंग, बट क्या करें, कोरोना के चक्कर। मतलब कभी कभार मैं सोचती हूँ यार बहुत ही बुरी हालत है तुम लोगों की। तो वो अब मेरी मम्मी ने वो मैसेज करने चालू हो गए, उनका घर का इंटीरियर, बॉम्बे में किसी का भी इंटीरियर बारिशों में बदल जाता है, मतलब अजीब सा ही उनका घर होने लग जाता है, वो मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज पानी आए, गंदगी और बहुत बहुत फिर नाटक होता है। बट
लेट्स सी, होप कि ना आए, नहीं तो फिर से मम्मी बहुत चिल्लाएगी, मम्मी को बहुत गुस्सा आएगा. एंड दैट्स इट. तो हम मूली की परांठी कल करेंगे, आज नहीं करूँगी मैं. एंड नाउ आई हैव टू थिंक कि क्या बनाऊँ. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लिटिल व्लॉग, जिसमें मैंने सारे व्लॉग्स क्लब किए हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप सब में से निकाली हैं. हमें इस बार घर जाके मतलब इतना मज़ा किया ना, हम बता नहीं सकते. हम बहुत ताश खेली और मम्मा का मतलब दिल्ली वाली मम्मा का मूड स्विंग देखा. मम्मा जब हारने लगी, मम्मा ने ताश उठा के फेंकी, पापा ने अच्छे पत्ते मम्मा को नहीं दिए थे, तो बहुत मज़ा आया. एंड इट वॉज लाइक बहुत टाइम बाद एक रिलैक्सिंग और काफ़ी अच्छा वेकेशन मिला, जबकि मैं घर ही थी, बट तभी मैंने कुछ काम नहीं किया. तो बहुत अच्छा वेकेशन था. नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक. टुमारो इज मंडे, घर सब काम शुरू हो जाएंगे. सो आई होप यू हैव इंजॉयड दिस लिटिल व्लॉग वेर आई एम शेयरिंग माई पार्ट. एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Bye.